ठीक है, तुम काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ वगैरह पे देख रहे होगे, न्यूज़पेपर्स में देख रहे होगे, सोशल मीडिया पे देख रहे हो कि काफ़ी सारी कंपनीज ले ऑफ कर रही हैं। 11,000 मेटा एम्प्लॉइज बीइंग लेड ऑफ, प्लानिंग टू ले ऑफ अप्रोक्सीमेटली 10,000 एम्प्लॉइज, न्यू राउंड ऑफ लेऑफ्स एट सैन फ्रांसिस्कोज़ ट्विटर, ट्विटर ने इतने सारे लोगों को ले ऑफ कर दिया, फेसबुक मेटा ने इतने सारे लोगों को ले ऑफ कर दिया, इंडियन स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा ले ऑफ कर रहे हैं, जो PPOs मिले थे, इंटर्नशिप ऑफर्स मिले थे, वो कैंसिल कर रही हैं कंपनीज। अब एग्जैक्टली हो क्या रहा है वो समझने का थोड़ा ट्राई करेंगे, उससे पहले एक टर्म है रिसेशन, वो समझेंगे, एंड आज की वीडियो में यही इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, स्टार्टअप्स क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं, जो बिग टेक्स है वो क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं, इसके अलावा व्हाई आर पीपल गेटिंग लेड ऑफ, ठीक है, एंड इफ यू आर गेटिंग लेड ऑफ बाई एनी मीन्स, किसी भी वजह से कोई भी रीजन है तो व्हाट यू कैन डू। यार सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि रिसेशन एग्जैक्टली है क्या। तो यार इन्फ्लेशन रेट्स आपने सुना होगा, इन्फ्लेशन रेट का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है कि तुमने एक साल पहले कोई चीज़ खरीदी, वो तुमने 100 रुपये में खरीदी, करेंटली वो सेम चीज़ तुम्हें 110 रुपये में मिल रही है, तो एक तरीके से तुम्हें 10% इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, ठीक है, 10% से वो चीज़ इन्फ्लेट हो चुकी है। तो US में क्या हुआ, US में अराउंड 7.5% इन्फ्लेशन रेट है, जो जनरली 1-2% रहता था इतने सालों से, एंड दैट इज़ वेरी 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 हाई। एंड जैसे US एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइक पोजिशन होल्ड करता है ग्लोबल मार्केट्स पे, तो उस पर जो चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं उससे ऑल ओवर द वर्ल्ड चीज़ें भी कुछ कुछ इफेक्ट कर रही हैं, ठीक है, एंड जो बिग टेक कंपनीज हैं वो एज यू नो US में बेस्ड हैं, दे नीड फंडिंग, दे नीड मनी, दे नीड लोन्स फ्रॉम बैंक्स, तो अब वो इंटरेस्ट रेट, फेडरल जो बैंक है, ठीक है, जो US में जो बैंक्स हैं वो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर रहे हैं, ड्यू टू विच जो ये लोन्स लेते हैं कंपनीज उनकी वैल्यू लाइक वो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो उनको ज़्यादा पैसे वापस करने पड़ेंगे, एंड दिस इज़ समथिंग वाई लाइक दीज कंपनीज आर कटिंग ऑफ कॉस्ट, मतलब ये एक छोटा सा रीज़न है, इसके अलावा बहुत सारे रीज़न है, इसके अलावा पॉलिटिकल रीजन्स भी हैं वाई रिसेशन इज़ कमिंग, ठीक है, जो यूक्रेन के साथ जो वॉर वगैरह वाला सीन चल रहा है, इसके अलावा भी और जितनी सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, उन सब का भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये रिसेशन वाली पूरी चीज़ में। बट तुम ये समझो रिसेशन में अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, जो तुम्हारा GDP है वो डिक्रीज़ होने लगता है, इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है, उन सब चीज़ों फैक्टर्स को कंबाइन करके पीपल से दैट रिसेशन इज़ कमिंग। अब वाई आर इंडियन स्टार्टअप्स स्ट्रगलिंग राइट नाउ, राइट, जो भी जो तुम्हारे जितने हम सुन रहे थे कि लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स है, जितने भी स्टार्टअप्स हैं सब बस लॉस बना रहे थे, बट स्टिल दे वर गेटिंग सो मच ऑफ फंडिंग लास्ट 2-1.5 साल के अंदर कोविड के टाइम में, एंड दैट वाज द रीज़न बिकॉज सब चीज़ें ऑनलाइन चली गई थी, सब चीज़ें ऑनलाइन जा रही थी, उस वजह से टेक कंपनीज एकदम काफ़ी ज़्यादा बूम पे थी, स्टार्टअप कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, लाइक एवरीवन थॉट कि ये चीज़ पता नहीं कितने सालों तक रहेगी, कोविड कितने टाइम तक रहेगा, एंड ऑल द वेंचर कैपिटलिस्ट जो उनका पैसा था वो काफ़ी ज़्यादा स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे थे, जो भी थोड़ा प्रॉमिसिंग लग रहा था। जस्ट टू टेल यू अ फिगर यार, Q3 2022 में 40% लेस फंडिंग मिली है कंपनीज को, ठीक है, 40% कम काफ़ी ज़्यादा होता है, प्लस जितने भी ये लॉस मेकिंग कंपनीज थी जो इन्वेस्टर्स के पैसों पे लाइक जी रही हैं इतने टाइम से, उनके लिए एक प्रॉब्लमैटिक थिंग है, क्योंकि यार वो सोच रहे थे कि नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग उठा लेंगे एंड वी आर गुड टू गो फॉर सम मोर टाइम, जब तक वो प्रॉफिटेबल होते हैं, मार्केटिंग पे जितना खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, ब्रांड बिल्डिंग पे जितना खर्चा कर रहे हैं, आफ्टर सम टाइम दैट विल गेट रिटर्न, बट ऐसा नहीं हुआ बिकॉज फंडिंग ही रुक गई है, ठीक है, ड्यू टू रिसेशन जो तुम्हारे वेंचर कैपिटलिस्ट हैं वो फंडिंग नहीं दे रहे हैं, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजन वाई कंपनी स्टार्टेड लेइंग ऑफ पीपल, बिकॉज कॉस्ट कटिंग का सबसे लाइक जल्दी तरीका ये है कि जो सबसे नीचे वाली लेयर है लोगों की, जो रिप्लेसेबल हैं बहुत जल्दी, उनको तुम निकाल दो, ठीक है, उनकी जो सैलरीज हैं वो तुम्हें नहीं देनी पड़ेंगी, एंड एट दैट वे यू कट अ लॉट ऑफ कॉस्ट। बेयर कंपनीज कॉस्ट कटिंग करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ें होती हैं वो हटाती हैं, वो अपनी वर्कफोर्स को कम करना स्टार्ट कर देती हैं। अभी लास्ट पिछले एक साल में कंपनीज ने बहुत ज़्यादा लोगों को हायर किया था लाइक, और लास्ट 5-6 महीने में बहुत ज़्यादा लोगों को ले ऑफ भी किया है, फॉर एग्जाम्पल बाइजूस ने 2,500 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया, वेदांतु एंड कार्स 24 ने 600-600 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दिया है, अन अकेडमी ने 1,000, ब्लिंकिट ने 2,500, एंड ओला ने भी काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को ले ऑफ किया है। तो जो स्टार्टअप्स हैं जो तुम्हारे प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रीच कर पा रहे थे, जो प्रॉफिटेबल नहीं थे, लॉस जनरेट कर रहे थे, दे हैव लेड ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल। अब इसके पीछे ना काफ़ी सारे रीजंस हैं, एक तो जो रिसेशन वाला रीजन है वो है, स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है, तुम्हारे यूक्रेन वॉर से भी काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ इफेक्ट कर रही हैं, जो तुम्हारे वेंचर कैपिटलिस्ट हैं वो अपने जिस कंट्री में वो बेस्ड हैं उस कंट्री में लोकल लाइक स्टार्टअप्स को ज़्यादा प्रेफर करना स्टार्ट कर रहे हैं एज कम्पेयर टू ग्लोबल स्टार्टअप्स को, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स वाई कंपनीज इन इंडिया लाइक स्टार्टअप्स इन इंडिया आर स्ट्रगलिंग अ बिट। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है लैक ऑफ इनोवेशन। लास्ट लाइक एक साल में ओनली 1400 पेटेंट्स वर फाइल्ड फ्रॉम इंडिया, एंड इंडिया की जो रैंक है वो 48th है पूरे वर्ल्ड में, एंड एट द सेम टाइम जापान हैज़ फाइल्ड 48,000 पेटेंट्स।
तुम समझ रहे हो गैप कितना ज्यादा है। तो इनोवेशन के नाम पे इतना ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है। एंड एक और रीजन ये भी है कि जो पैंडमिक के टाइम पे कस्टमर्स एक्वायर हुए हैं बिकॉज एवरीवन वाज सिटिंग एट होम, तो लोग बहुत ज्यादा चीजें ऑर्डर कर रहे थे, बहुत सारी चीजें ऑनलाइन कर रहे थे, चाहे वो जूम मीटिंग्स हो, चाहे लोगों से बात करना हो या तुम्हारा खाना खाना हो, एवरीथिंग वॉज गोइंग ऑनलाइन। बट एज द रिस्ट्रिक्शंस गॉट कट ऑफ, जैसे जैसे नॉर्मल लाइफ होने लगी, लोगों ने फिर से सेम चीज़ें करनी स्टार्ट कर दी, लोगों ने फिर से बाहर जाना शुरू कर दिया, लोगों ने मिलके लोगों से बात करना शुरू कर दिया एज कम्पेयर टू जूम मीटिंग्स या मीट्स पे, लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना कम कर दिया, लोगों ने जोमैटो स्विगी पे खाना ऑर्डर कम कर दिया, राइट। तो इन सब चीज़ों से जिन नंबर्स पे उन्होंने वैल्यूएशन उठाई थी या जिन नंबर्स पे उन्होंने फंडिंग उठाई थी, वो नंबर्स डिक्रीज होते जा रहे हैं। एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स दे हैव टू कट कॉस्ट, क्योंकि अगर वो रेवेन्यू ही जनरेट नहीं करेंगे एंड दे विल नॉट गेट फंडिंग फ्रॉम वेंचर कैपिटलिस्ट, तो सस्टेन कैसे करेंगे। सो दीज आर सम ऑफ द रीजन्स वाई लाइक स्टार्टअप्स इन इंडिया आर स्ट्रगलिंग एट द मोमेंट। नाउ वी कम टू द बिग टेक कंपनीज, अमेजोन, फेसबुक, एप्पल, नेटफ्लिक्स, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सारी जो कंपनीज हैं इनके स्टॉक प्राइसेज तुम लास्ट 5-6 महीने में देखोगे तो बहुत ज़्यादा क्रैश कर चुके हैं। लाइक 70-80% तक क्रैश किया है मेटा का स्टॉक प्राइस, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो जस्ट टू गिव यू नंबर्स, मेटा 74% क्रैश कर चुका है साल की स्टार्टिंग से, नेटफ्लिक्स 50%, अमेजोन 50% के अराउंड, गूगल 40%, माइक्रोसॉफ्ट 34% एंड एप्पल 24%। इसके अलावा सब कंपनीज का 40-50% के अराउंड स्टॉक्स क्रैश कर चुके हैं। जो वो बबल था, टेक बबल था, वो हल्का सा बर्स्ट होता दिख रहा है। बट ऐसा एग्जैक्टली क्यों हुआ? ऐसा एग्जैक्टली इसलिए हुआ यार, 2010 के आसपास, मतलब 2010 से अभी तक जो इन टेक कंपनीज में ग्रोथ थी वो काफी क्रेजी थी। पैंडेमिक ने इन सब कंपनीज की ग्रोथ को और एक्सप्लोड कर दिया था। लास्ट कुछ टाइम में गूगल और फेसबुक का जो एक काफ़ी बड़ा लाइक रेवेन्यू सोर्स है वो एड्स है। तो जितना ज़्यादा लोग उनके प्लेटफॉर्म पे सर्व कर रहे थे, जितना ज़्यादा लोग उनके प्लेटफॉर्म पे थे, उससे उतना ज़्यादा वो एड रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे थे। बट एज सून एज थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग नॉर्मल, लाइक वर्चुअल से हम वापस नॉर्मल लाइफ में आने लगे, तो जो एड रेवेन्यू था वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो गया। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई जो एड्स थी कम हो गई और इन कंपनीज का रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। जब फेसबुक ने अपना, मेटा ने रिसेंटली अपने स्टार्ट्स शो करे पब्लिक में, तो उसके नेक्स्ट डे उनका जो स्टॉक प्राइस था वो सीधा हाफ हो गया था, इफ़ यू हैव सीन। सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस व्हाई बिग टेक कंपनीज आर आल्सो स्ट्रगलिंग। सर व्हाट डज दिस मीन कि आगे जो तुम्हारी टेक इंडस्ट्री है वो एक हॉल्ट पे आ गई है, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की आगे जरूरत नहीं पड़ने वाली है? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो कंपनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं थी, जो कंपनीज बस लॉस मेकिंग लाइक स्टार्टअप्स या लॉस मेकिंग कंपनीज थी, जो बस वेंचर कैपिटलिस्ट या फंडिंग के बेसिस पे अभी तक टिकी हुई थी, उनके लिए थोड़ा सा डरने का टाइम है, ठीक है। बिकॉज इफ दे डोंट गेट फंडिंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे माइट जस्ट गेट शट। बट जो कंपनीज बूटस्ट्रैप्ड हैं या फिर जो कंपनीज रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं, ठीक है, रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं एंड दे कैन सस्टेन देमसेल्फ, दे आर गुड टू गो। लाइक इट इज़ अ टाइम कि रिसेशन है, रिसेशन ऐसे तो नहीं है पूरी जिंदगी रहेगा, इट्स सेम एज कोविड। हमने सोचा था कोविड यार पता नहीं कितने सालों तक रहेगा, बट वी आर इन 2022। 2020 मार्च में कोविड आया था, 2.5 years में मेरे को मास्क पहने हुए लोग नहीं दिख रहे हैं अभी, ठीक है। एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी, थिंग्स गेट बैक टू नॉर्मल, टाइम लगता है। ये जो इन्फ्लेशन रेट है, GDP है, सारी चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी, बट यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि कब होंगी, ठीक है। ये 6 महीने, 9 महीने, 1 साल भी ले सकते हैं। सो थिंग्स माइट गेट वर्स, पीपल हु आर करंटली वर्किंग माइट गेट लेड ऑफ, एंड दिस इज़ ट्रू फॉर everyone, like even me. But डरने की कोई बात नहीं है, बिकॉज स्किल्स अगर तुमने एक्वायर करे हुए हैं, इफ़ यू हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, इफ़ यू नो थिंग्स, देन एक कंपनी छोड़ोगे दूसरी कंपनी तुम्हें पकड़ लेगी, ठीक है। कंपनीज तो कहीं नहीं जा रही है, मेजर टेक कंपनीज कहीं नहीं जाएंगी, एंड देर विल बी कंपनीज दैट विल कम आउट ऑफ इट। एंड जब एक काफ़ी अच्छी सेइंग है ना, अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, राइट। तो हर चीज़ में नेगेटिव देखने से बढ़िया थोड़ा पॉजिटिव देखते हैं, ठीक है। क्या पता जिस कंपनी से तुम्हें भी ले ऑफ किया गया है, दैट वॉज नॉट अ गुड कंपनी फॉर यू, ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस तुम्हारे लिए अच्छा नहीं था, या फिर वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा था, या तुम कुछ नई चीज़ नहीं सीख पा रहे थे, बट यू डिडंट वॉन्ट टू पुट इन एफर्ट्स टू गेट टू अ न्यू कंपनी, एंड दिस विल गिव यू अ पुश कि पढ़ो थोड़ा और, मेहनत करो थोड़ी और, यू माइट गेट मोर ऑप्शंस। अब मैंने काफ़ी सारी वीडियोस और देखी, अपने फेलो क्रिएटर्स की भी देखी, तो सर्विस बेस्ड कंपनीज का मेरे को इतना आइडिया नहीं था, बट अजय भैया ने एक सर्विस बेस्ड रिलेटेड सिमिलर वीडियो बनाई थी, उन्होंने बताया था कि जो जिस प्रोजेक्ट पे तुम काम कर रहे हो या फिर जिस क्लाइंट के लिए तुम काम कर रहे हो, उस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि विल यू गेट लेड ऑफ और नॉट, ठीक है। उस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है उस पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है, बट इफ़ योर मेजर क्लाइंट्स आर इन US और UK, तो देर इज़ अ चांस अगर कंपनी को कॉस्ट कटिंग करनी पड़ी, अगर उधर से तुम्हें प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे, तो दे विल ले यू ऑफ। बट दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू अपस्किल योर सेल्फ एंड गेट अ बेटर प्लेसमेंट एट अ बेटर पैकेज। तुम इतने सारी जो स्टोरीज पैंडमिक के टाइम पे तुमने सुनी होंगी कि लोगों ने वो 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख से 15-15, 20-25 लाख
निकाले हैं वो कैसे निकाले, बाय अपस्किलिंग देमसेल्फ, राइट। बट इफ यू आर लेड ऑफ, तो चार पांच चीजें हैं जो तुम कर सकते हो इफ यू आर रीसेंट ग्रेजुएट, और इफ यू आर इन कॉलेज तो इन चीजों पे ध्यान दे सकते हो, ये तुम्हें हेल्प करेंगी। जिनके ऑफर्स लाइक कैंसिल हो गए हैं या फिर करंटली अभी जस्ट कंपनी ज्वाइन करी थी एक साल दो साल एक्सपीरियंस के साथ, ज्यादा जो बड़े लोग हैं उनको मैं बिल्कुल मतलब बता नहीं सकता क्या कर सकते, आई एम नॉट दैट एक्सपीरियंस, बट आई कैन जस्ट शेयर माई थॉट्स विच आई थिंक कैन बी डन। सबसे पहले अपनी जो जितनी भी प्रोफाइल्स हैं, जितनी भी तुम्हारी वर्क प्रोफाइल्स हैं, चाहे वो लिंक्डइन पे हो, चाहे वो गिटहब पे हो, चाहे वो तुम्हारी ट्विटर पे हो, अगर तुम ट्विटर टेक स्पेस में हो तो यू शुड अपडेट ऑल ऑफ देम, ठीक है। कंपनीज हैं जो अभी भी हायर कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि सारी कंपनीज ने बंद कर दिया, आई विल बी टेलिंग सम नेम्स, 8-10 कंपनीज हैं जो अभी भी हायर कर रही हैं जो काफ़ी अच्छी हैं एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं जिनमें तुम अप्लाई कर सकते हो, अपने रिज्यूमे को अपडेट कर लो। इसके अलावा स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्किल्स, स्टार्ट लर्निंग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स अगर तुम टेक स्पेस में हो, अगर तुम्हें इंटरव्यूज क्रैक करने हैं, बिकॉज इफ देयर आर लिमिटेड जॉब ओपनिंग्स दैट मीन्स जो बार होगा जो कंपनी हायर कर रही होगी वो भी हाई होगा, क्योंकि एक पोजीशन के लिए मल्टीपल लोग बैठ रहे होंगे, सो दे विल सेलेक्ट द बेस्ट, राइट। अभी बीच में क्या हो रहा था, जो बार था वो थोड़ा कम हो चुका था बिकॉज नंबर ऑफ जॉब्स वर टू मेनी, ठीक है, जो तुम्हारी सप्लाई डिमांड वाली चीज़ है, तो सप्लाई रिलेटिवली कम थी एंड डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी, अभी सप्लाई काफ़ी ज़्यादा होगी और डिमांड थोड़ी सी कम हो रही है, सो यू नीड टू वर्क ऑन योर स्किल्स, यू नीड टू लर्न लाइक DSA काफ़ी अच्छे से, यू नीड टू वर्क ऑन योर वेब डेवलपमेंट स्किल्स या फिर एंड्रॉइड डेवलपमेंट या जिस भी प्रोफाइल के लिए तुम प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये दो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तुमने काफ़ी सारे लिंक्डइन पोस्ट देखे होंगे जो ब्लो अप कर जाते हैं, राइट, उस पर काफ़ी सारे रिक्रूटर्स या फिर जो लोग जॉब सीख कर रहे हैं वो भी अपना डिटेल्स वगैरह डाल रहे होते हैं, रिज्यूमेज डाल रहे होते हैं, एंड जो रिक्रूटर्स हैं जिन कंपनीज के लिए हायर कर रहे हैं वो उनकी हेल्प कर रहे होते हैं, सो बींग लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर सॉर्ट ऑफ काफ़ी सारे कनेक्शंस हैं मेरे, सो आई विल बी पोस्टिंग लिंक्डइन पोस्ट जब ये वीडियो लाइव जाएगी उसके साथ ही, एंड द लिंक टू द पोस्ट विल बी इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन जस्ट गो देयर, उस पोस्ट को भी लाइक कर देना, उस पोस्ट पे कमेंट कर देना, एंड आई विल जस्ट आस्क रिक्रूटर्स ऑल्सो कि वो ये लाइक जाके अपनी जॉब ओपनिंग्स वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, एंड समथिंग सिमिलर वॉज डन बाई क्लिमेंट एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। सो जस्ट फॉर इंडियंस आउट देयर इन इंडिया जो अभी लाइक जॉब सीख कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेंट्रिक टू US था, तो आई जस्ट वॉन्ट टू डू द सेम थिंग एंड या वो कर देंगे, उससे तुम्हें काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो द कंपनीज विच आर करंटली हायरिंग काफ़ी ज़्यादा, वन ऑफ देम इज फोन पे, इंटिवेट, रिपलिंग, अटलाशियन, न्यूटानिक्स, ऊबर, क्रेड, सर्विस नाउ, मरकारी, अगौड़ा, ऑप्टम, तो ये कुछ कंपनीज हैं जो काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली हायर कर रहे हैं, इनकी जॉब ओपनिंग काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगी लिंक्डइन वगैरह पे, ठीक है, तो तुम जाके डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। ये मैंने 2-3 अपने फेलो इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोज़ में से देखा है, क्योंकि ये वो काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड टू दिस ओपनिंग्स एंड ऑल वीडियोस बनाते हैं, तो वहाँ से मैंने ये सारी कंपनीज़ के नाम उठाए हैं, तुम उन वीडियोस का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर वो सारे लिंक्स उनसे लेके मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन डेफिनेटली अप्लाई टू दीज कंपनीज। एंड लास्ट माई थॉट इज़ कि दिस इज़ अ टफ टाइम फॉर श्योर यार, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब हम बोल दें कि रिसेशन नहीं है, कंपनीज ले ऑफ नहीं करेंगी, कंपनीज वॉन्ट प्रॉफिटेबिलिटी, उनको प्रॉफिट चाहिए, अगर उनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा होगा तो ना मैं उनका सगा हूँ ना तुम उनके सगे हो, वो तुम्हें निकाल देंगे, राइट। प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा होता है, माई मैनेजर यूज टू से दिस अ लॉट, मतलब लास्ट 6 महीने 1 साल में उन्होंने बहुत बार ये बोला है कि यू हैव ओनली सीन द गुड साइड ऑफ दिस टेक इंडस्ट्री, ठीक है, एंड ही हैज सीन द बैड साइड मल्टीपल टाइम्स, जो हम देख रहे थे कि गूगल इतने ज़्यादा पैसे दे रहा है या फिर नेटफ्लिक्स इतने ज़्यादा पैसे दे रहा है, हम बस वो इतने सारे पैसे देख रहे थे, बट हम ये नहीं देख रहे कि थे कि वो ऐसे करके फायर भी कर। एक ये चीज़ ध्यान रखनी है, अपना काम 100% देना, 100% से 150% दे दो, ठीक है, जब तक ये रिसेशन चल रहा है तब तक तो अपना काम जितना तुम बेस्ट दे सकते हो उतना दो, ठीक है, बाकी होप फॉर द बेस्ट प्लस वर्क ऑन योर स्किल्स। तो अपने आप पे इतना फोकस करो कि यार तुम इररिप्लेसेबल हो, ठीक है, तुम्हें रिप्लेस करने में उनको और ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे, और ज़्यादा पैसे लगेंगे दैन कीपिंग यू एट दैट जॉब, सो अगर ये चीज़ कर लेते हो तो यू आर गुड टू गो। जॉब ओपनिंग्स वगैरह का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन डेफिनेटली चेक देम आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।